नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। अंदर नको जाओ, कोई भी तुम एक जाने लाएगा बता दो तो बताओ। मैं मोहम्मद फेरोज हूँ। कल मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे घर पे मैं अकेला था, तो मेरे को क्या करे 15-20 जने मिल के आके मारे, तो मैं घर पे अकेला था। तो फिर बाद में मेरे भाई को फ़ोन करा, मेरे चाकू से मारे, 5 टाके लगे मेरे को। तो मेरे भाई को उसके बाद कॉल करा, मैं मेरे भाई बहन को कॉल करा, उसके बाद आए लो वहाँ मेरे को मार देता मार के, फिर उनको भी क्या है ज़ख्मी कर दिया, टाके डाले उनको। और मेरी अलमारी में से 3 तोले सोना था, 80,000 रुपये रकम थी, वो भी छोप लेके चल गए। जो मारने वालों का नाम था रियाज और कलीम, रहीम, फातिमा और जो सो ताहरा मोहिन, और बाकी के लोग में तो मेरे नहीं मारूँ, सलमान नाम कुछ था थे। फिर जब बाद में भाई आए मेरे, तो वो लोगों के ऊपर भी अटैक करे, जान का मेरे को धोखा आई है। मेरे भाई को नहीं मिला है ना, नहीं मिलने की शुरू में अकेला था, वो निकला दिए कि लोगों, वो तो मेरे को नहीं मालूम। घर पे मैं अकेला था, मुँह धो के गाड़ी पे आके थकान हो गई, तो आके लेटे हुआ था मैं। जस्ट 10 मिनट के बाद आगे मेरे को गए हमला कर दिए। कितने बजे की बात है ये? टाइम 10:30 बजे की दरमियान की बात है ये। उस वक्त तो मेरे को जान में जान भी नहीं थी मेरी, अपने आप में था मैं। ये वजह क्या है लड़ाई की? ये वजह बोल तो मेरे भाई से लड़ाई कुछ चल रहा था मैटर उनका, उनमें उन्हें क्या हुआ कि वो मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने नहीं मिलने की सूरत पे मैं घर पे अकेला था, मेरे मम्मी भी नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं थे। अचानक अटे वो कर दिए, हमला करने वाले कौन है? हमला करने वाले ताहिरा रियाज, ये जेंस का नाम कौन है? आपके रिश्तेदार है या फिर आजू बाजू वाले हैं? कौन आपके मेरे आजू बाजू वाले? तो नहीं, मेरे भाई के साले हैं, सालियाँ हैं वो। उलों से उलों की लोगों की दुश्मनी क्या थी कि चुप मेरे को नाजस के वहाँ तकलीफ दे दिए, मार दिए, मेरे घर का सामान तोड़ दिए पूरा, फ्री जल मारी और पूरा घर को डैमेज कर दिए। मेरे वालिद साहब को भी मारे लो वहाँ। सुने तेलंगाना गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूँ मैं, मेरे को इंसाफ मिला। सुने और ये जो मीडिया है उनसे भी मेरे को सपोर्ट मिली, तो बहुत बहुत दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका मैं। पीएस में कंप्लेंट लिखा है? पीएस में कंप्लेंट दिया, तो कल बोलते बोले नो। आपका पीएस लिमिट? मेरा पीएस में राजेंद्र नगर पीएस है, मैं चित्तल मेट किशोर नगर, ये चित्तल मेट किशोरी मस्जिद के बाजू में रहता हूँ, मेरा घर यही है। पुलिस वाले आके देख के गए यहाँ पे? पुलिस वाले आए बाहर से, खाली फोटो लेके गए लोग, अंदर तो और तो नहीं आए, हम वीडियो बताए तो जब देखे ना। कंप्लेंट हुई पीएस में? कंप्लेंट हो गई जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। ये मोहिन भाई जो है फ़ोन करा था हमारी, कल जोरों रख के लड़े थी, इनको फ़ोन करा, हमारी वीडियो था टॉर्चर दे रही हुई, आके बात करो तुम, उससे भी फैसला करके जाओ, बोले दोनों गाली दिए मेरे गुफ्तगू, मैंने भी गुफ्तगू दिया, मैं भी गुफ्तगू दिए, गालियाँ दिए, दोनों भी दे दिए, कोई दे दिए, बाद में फ़ोन कट कर दिया, बाद में पलट के मैं क्या करा, झेरे को
हमारे बहन के घर रुका, सीधा सीधा घर को आया हूँ। हमारे छोटे बहन के घर पे रुका था, शाम में आया 10:30-11 बजे 10 के टाइम पे क्या टाइम रहा था, जब क्या करे, जब फोन मारे, फोन छोटा भाई फोन करा मेरे को मारे बोल के, सीधा आते हमारे छोटे भाई को मार दिए, पहले हाथ फट गए, 5 टाके इनको फट गए, मेरे को सर पे यहाँ टाके हैं, फिर यहाँ साइड में सनपट्टी पे टाके हैं, फिर यहाँ पर टाके हैं मेरे को। नो कहा चूप खाली के जरिए से गुप्तों को मैंने कहा करेंगे बेटों को लेके आएंगे, भांजों को लेके आके फुल टोपी लेके आके चाकू से मारे, फिर घर आता तो चाकू घुस जाती थी सर में मेरे, मैं भाग गया यहाँ से, गली में तो भाग के बाहर रोड पे गया, रोड पे जाके जब बचा मैंने तो पूरा पूरा मार के नाक की हड्डी पूरी तोड़ दी मेरी, जान को धोखा है मेरे मुँह। ये जो मोइन और ताहिरा खमर और रियाज पूरे जने नुआ है, रही नौ 5-6 जने नुआ है दारो सलाम के, थोड़े चाकू ले लेके आए थे इनकी जोर, ये खौरिक भाई ने चिच्ची में था चाकू रख लेके, प्रेस की एक चाकू आती हो वो चाकू निकाल के मारने आ रही थी मेरे को, मेरे को हमारे खलेरे भाई को मारने आ रही थी, उन्हें क्या करा लट्ठा इसके हाथ में, तो अच्छे देख के हट गई ने पीछे। गुजारिश चाहता हूँ मैं तेलंगाना से इन्हों से बचाए, पुलिस से भी इंसान चाहता हूँ, इन तोले सोना भी गया है हमारे भाई का, 80,000 कैश थे, पूरी अलमारी के अलमारी में तो पैसे रखे हुए थे, सोना रखे हुआ था पूरा फेंक दिए, पूरा निकाल लेके चल गए, उसमें एक भी नहीं है चीज, कुर्सी भी नहीं है, पूरी डिक्की भी खुली हुई है इसकी, तो क्या है देख ले सकते आप, वहाँ देख ले सकते हैं, गुजारिश है आप लोगों से, तेलंगाना से ही है पुलिस से और सनी सर साहब से और को जान जान का धोखा है, अभी भी कर सकते हैं, मदद चाहिए बस और प्रदेश की तरफ से।